ऑल स्टार्स एंड एंजल्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी? तो सुबह के 5 बज गए हैं और योर वोकैबुलरी डेवलपर आ गया है आपके लिए कुछ पिक्यूलियर इडियम्स और फ्रेजेस को आपके सामने लेकर। तो गाइज, ये जो जितने भी दिन से ये शो चल रहा है, आई होप आप इसको इंजॉय किया आपने पूरा, और जो भी पिक्यूलियर इडियम्स जितना भी मुझे आप लोगों को मिले इधर उधर से उठा के मैंने आप लोगों को दिया है, ये अब आपको क्या काम करना है, इसको रिवाइज करना है। शुरू से लेकर एंड तक आप अब इनको क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। अगर इनमें से 4 भी इडियम 5 भी इडियम आप लोगों को मिल गए तो बहुत आपका काम हो जाएगा। और जो बच्चे आज नए देख रहे हैं, शुरू से लेकर एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या आपको नया आज सीखने को मिला है। तो कंप्यूटर महोदय, देखते हैं आज का पहला वर्ड आप लोगों की आंखों के सामने, पेन पुशर। मैं इसलिए ही ये वर्ड इतने पिक्यूलर विचित्र लेके आता हूँ ताकि आप लोगों का कुछ इंटरेस्ट बने। और आई थिंक आप लोग इसको, अब पेन पुशर का मतलब क्या होता है आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि यार पेन को दबाने वाला, पेन पुशर का मीनिंग क्या होता है? कंप्यूटर में होता है, जरा एक बार मीनिंग दिखाइए। जो क्लर्क होता है, दिस मीन्स अ क्लर्क, एक इंसान जो क्लरिकल काम करता है, चाहे वो बैंकिंग हुआ या कोई ऑफिस हुआ, अगर उस ऑफिस में कोई क्लर्क है, उस क्लर्क को हम लोग बोलते हैं ही इज अ पेन पुशर, शी इज अ पेन पुशर। आई होप आपको ये वर्ड्स पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। जो बच्चे आज नए आए हैं, जल्दी से फटाफट एक बार अड्डा 24/7 को, यानी SSC अड्डा को आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कर दीजिए। आते हैं अपने सेकंड वर्ड की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वर्ड नंबर 3 आपका है पिगी बैग। अब बात आती है सर, पिगी बैग क्या है? पिगी राइड, पिगी बैग हम किसको बोलते हैं? जब आप किसी छोटे से बच्चे को पीठ पे बिठा के घुमा देते हो कुछ देर के लिए, उसको बड़ा मजा आता है, वो हुआ क्या? दैट वॉज पिगी बैग। क्या हो गया? पिगी बैग। कंप्यूटर महोदय, जरा एक बार जल्दी से इसको आंसर दिखाइए। अ राइड बाय चिल्ड्रन बेबीज ऑन समवंस बैक, ठीक है, इस तरह से इसको आप बोल सकते हैं। आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आया होगा। तो आज इस तरह से आप इस वर्ड को यूज भी कर सकते हैं, आई वॉन्ट अ पिगी बैग, यू कैन से द चिल्ड्रन, यू कैन से वॉन्ट अ पिगी बैग, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। जरा कंप्यूटर में होता है पिक्चर भी दिखाया जाए साथ में बच्चों को, ताकि उनको अच्छे समझ में आ जाएगा, अब ये जिंदगी में कभी पिगी बैग को भूलेंगे नहीं। आपका आज का लास्ट जो idiom और phrases है वो है आपके सामने pig headed। pig head को देख के आप समझ गए होंगे कि जो आदमी stubborn होता है, हठी होता है, obstinate होता है, उस आदमी को जो दूसरों की बात मानता ही नहीं है, ऐसे ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? पिग हेडेड बोलते हैं। कंप्यूटर में जरा एक बार इसका आंसर दिखाया जाए। वन हु इज स्टबर्न, जो आदमी दूसरों की बात नहीं मानता, हठी होता है, जो हट करता है, उसको क्या बोलते हैं? पिग हेड बोलते हैं। तो ये आप लोगों के कुछ idioms हैं, इस तरह के पिक्यूलर idioms आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। गाइज, जैसा कि आप लोग अब दिवाली नज़दीक आ रही है, तो आप सभी को, आपके परिवार को अड्डा 24/7 की तरफ से, SSC अड्डा की तरफ से और इस वोकैबुलरी डेवलपर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से अपनी दिवाली को मनाइए और इस 2-3 दिन के लिए जो भी आपकी लीव रहेगी, यहाँ पे छुट्टियाँ रहेंगी, उसके लिए हम लोगों ने सभी टीचर्स ने, मैंने तो क्या, सभी टीचर्स ने आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिए हैं, तो वो वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपका टच जो है वो छूटना नहीं चाहिए। जब हम लोगों ने अपना काम किया तो आप लोगों को भी अपना काम करना है, भले ही वो एक तो वो थोड़ा छोटा रहेगा, 15 से 20 मिनट का रहेगा, और आपको देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जल्दी से मुझे बताइए कि कौन कौन इसको, जो रिकॉर्डेड वीडियो होंगे वो इसको देखेगा। अगर आपको इन तीनों वर्ड्स को याद करना है तो क्या करना है पता है आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जल्दी से इनको लिख दीजिए, और मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, मेरे स्टूडेंट्स ने, मैंने कुछ उनको बताया और उन्होंने एकदम से नीचे लिख दिया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।